हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो फिलहाल नहीं कर रहे हम, लेट्स वार्म अप करेंगे। और जो चैप्टर है वो हमारा न्यू स्टार्ट हो चुका है, सेवेंथ चैप्टर, दैट इज़ बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स। ठीक है, तो देखो मैंने थोड़ी सी आपको शेप्स क्लियर करनी थी। ये कौन सी शेप है? ये जो ऐसी होती है, ये होती है रेक्टेंगुलर शेप। कौन सी है? रेक्टेंगुलर शेप। जो भी ऐसी शेप हो ना, जैसे हमारा टीवी जो होता है वो भी ऐसी शेप में होता है, तो वो होती है रेक्टेंगुलर। स्पेलिंग अच्छे से इसको लर्न कर लेना, RECTANGULAR। तो ये होता है रेक्टेंगुलर। ओके, जो ये शेप होगी वो रेक्टेंगुलर, जैसे फोन की। ये जो आपने फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, ये है ट्राइंगुलर शेप का। ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी शेप, जैसे समोसे की शेप नहीं होती, ट्राइंगुलर। तो ये होगी ट्राइंगुलर शेप। ये बैंगल है ना, तो बैंगल होती है राउंड। राउंड मतलब सर्कुलर। कौन सी? सर्कुलर शेप। ओके, ये जो शेप है बेटा, ये शेप देखो ध्यान से। ये शेप पता कैसी है? ऐसी है, बॉक्स वाली। तो ये है क्यूबॉडिकल। कौन सी है? क्यूबॉडिकल। ये शेप कौन सी है भाई? ये जो ऐसी शेप होती है कॉनिकल। ये कौन सी होती है? कॉनिकल शेप, ये वाली। ओके, ये होती है कॉनिकल शेप। ये जो ड्रम सा होता है, ये होता है सिलेंड्रिकल। ये कौन सा होता है? सिलेंड्रिकल। आप सबने क्या करना है, आपका काम ये है, अपने एक तो स्पेलिंग सबके लर्न करने हैं और शेप देखनी है। अपने घर में भी जो सामान है ना, देखना है कि जैसे बेड भी हो गया वो कौन सी शेप का है, या फिर समोसा हो गया, या फिर जो आपकी रोटी होती है वो कौन सी शेप की होती है, वो सर्कुलर शेप की होती है। ऐसे मतलब नोट डाउन करके आपने अच्छे से देखना है कि वो कौन कौन सी शेप होती है। अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट है, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिबन फिगर। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वन। ये देखो जिनकी थ्री साइड्स होती हैं वो होता है ट्राइंगल। ये भी थ्री साइड्स वाला टू, ये थ्री, ये वाला फोर, ये वाला फाइव, ये वाला सिक्स, सेवन और एट। कितनी है टोटल? एट। इसमें काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, ये तो इजी था। अब यहाँ पर देखो, ट्रेस द शेप्स एंड नेम देम। ट्रेस शेप मतलब आपने इसके ऊपर ऐसे लाइंस बिल्कुल सीधी सीधी, मेरी तो ऐसी लगी हुई हैं, आपने अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि मेरा फ़ोन पर है ना, तो इससे आगे पीछे हो जाता है। फिर ये ट्रेस तो कर दिया, लेकिन अब इसके नाम भी लिखने हैं। इसका क्या होता है भाई? जिसके थ्री साइड्स हो उसको बोलते हैं ट्राई एंगल। क्या बोलते हैं? ट्राई एंगल। इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर। सर्कुलर। ओके, अब सी वाला पार्ट देखो। स्केयर की कितनी साइड्स होती हैं? स्केयर होता है जो जिसकी ऐसी शेप हो, सारी साइड्स इक्वल हैं। तो कितनी साइड्स है? वन टू थ्री फोर। कितनी साइड्स है? फोर। ऑल साइड्स आर, मैंने जो अभी बोला ना कि इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। डैश हैज थ्री साइड्स। थ्री साइड्स किसकी होती हैं भाई? ट्राइंगल की। ट्राइंगल। अ डैश इज राउंड इन शेप। कौन सा जो होता है वो राउंड होता है शेप में? सर्कल। कौन सा होता है? सर्कल। और इसकी कितनी साइड्स होती हैं? साइड्स तो बेटा ऐसे स्ट्रेट वाली होती है, सर्कल की कोई साइड नहीं होती। नो साइड। ओके, फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में आएगा फोर इक्वल, सेकंड में ट्राइंगल, थर्ड में सर्कल और नो साइड। आई थिंक आपका ये वाला हो ही जाएगा, कोई टफ तो है नहीं। बाकी हम कल करेंगे।